दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे हैं आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग क्या बन जाए, जबरदस्त वाली है कि नहीं। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि है 7 मई को। जितने भी लोगों को धन से संबंधित कोई भी परेशानी है ना, संकट है, वो सारी चीजें दूर हो सकती है अगर इस दिन को हम मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं। पहली बात तो ये है ना, कितने बार हमने, मैं तो हमेशा से ही सुनती आई हूँ अक्षय तृतीया है तो भाई सोना ले लो, चांदी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, लेते तो हमेशा ही रहते हैं, है कि नहीं। हम हमेशा अपना बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, अब ये हो गया, अब हमेशा अपने लिए ही तो लेते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं हम? अपना अपना जो जीवन है, अगर हमने कभी सोचा है, मेरी माँ हमेशा बोलती है, आरिका मारवा जी आई लव यू, सच्ची क्या यार, गुस्सा होती है थोड़ी, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अब ये बोलती हूँ, हमेशा मेरी मदर बोलती है कि भाई हम कहते ना, एक जानवर भी अपने बच्चे को पाल लेता है, हम औरों के लिए क्या कर रहे हैं? सच्ची में हमारे, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बड़ी फटाफट से आपको शेयर करती हूँ। जब है ना, जब इतनी हर चीज़, स्कूल भी जाना मैंने बंद कर दिया था, है ना, एक साल के लिए, क्योंकि पैसे नहीं थे। जब मैं 3rd में थी, है ना, मैं 2 बजे तक तो अंदर ही रहती थी कि भाई बाहर ना जाओ, के लोग देख ना लेके भाई स्कूल नहीं गई। अब मैं बताती हूँ, उस टाइम पे है ना, जो मेरे फ्रेंड्स होते थे वो चढ़ाते होते थे, ये मेरे बाप ये लाया, वो लाया, फलान ढिमकान लाया, है ना। अब वो चीज़ जो थी, वो एक, वो कहते हैं ना, वो चीज़ आपको चाहिए थी उस टाइम, है ना, वो चीज़ की आपको आपको वो के भाई नहीं मिल पाई, है ना, वो आपको कमी महसूस हुई। अब जब कहते हैं ना, ऊपर वाले ने सब दे दिया, तो वी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, माई मदर ट्राई, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं कि जो चीज़ हमें कमी आई है ना, हम दूसरों की लाइफ में बढ़ते हैं। कहते हैं अपनी लाइफ के लिए किया तो क्या किया, औरों के लिए क्या किया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर सच्ची में अगर आपको धन चाहिए ना, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ऊपर फेंको है ना, बॉल ऊपर फेंको तो वो नीचे आएगी, वैसी जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लोगों के लिए करोगे, वो आपको वापस मल्टीफोल्ड आएगा, ये आएगा इस दिन, है ना। ऐसे तो हम करते ही रहते हैं और धोखे भी बड़े खाते हैं, ये बात और हो गई, जिनके साथ करते हैं धोखे भी मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, ऊपर वाला इज वेरी ग्रेट, तो वो कहते ना कहीं ना कहीं से और कुछ चीज़ अच्छी करता होगा। आप जो मिल गए इतने सारे, वो कुछ ना कुछ है ना, ये इस मामले में मैं सोचती हूँ कि आई बीन लकी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि, तो ये चीज़ तो मैंने बात कर ली है ना, तो इस दिन हमने दान करना है। इस दिन जो है, हमने पहली बात तो दान पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इस दिन 6:00 आप वो टाइम नोट कर लो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, 6:05 से 12:30 दोपहर के, ये जो मुहूर्त है, इस पीरियड में आपने दान, आपको जो जो चीज़ें मैं बोलूँ वो चीज़ आपने करनी है। दूसरी चीज़, ये एक ऐसा दिन है जब हम संकल्प लेते हैं, है ना, मतलब जो भी हम करना चाहते हैं, है ना, तो ऊपर वाले के आगे हम लोग एक संकल्प लेते हैं, चावल ले लो, पानी ले लो, थोड़ा सा संकल्प ले लो अपने अंदर, या सीधी सी बात है, सिंपल तरीका है, एक पेन पेपर पे नोट डाउन कर लो कि भाई क्या आप लेते हो, है ना, कि अगर काम के लिए तो आपको यू हैव टू, कहते हैं ना, दिस इज़ द डे ऑफ प्रॉमिस, कि भाई मैं मेरा काम जो है बहुत ईमानदारी से करूँगा, बहुत मेहनत से करूँगा, बहुत लगन से करूँगा, बाकी आप देख लेना, है ना। बाकी कहते हैं ना, जब हम ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो फिर ऊपर देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने सिर्फ कर्म करते रहना है, वो ऊपर क्या देना है, क्या ठीक है, क्या गलत है, वो ही इज देयर, ही विल डिसाइड, नो वरीज, है कि नहीं। तो ये जो संकल्प है ना, ये चीज आपने लिख देनी है, जो भी आपकी पढ़ाई की जगह है, जो भी आपकी पूजा की जगह है, जिसको कुछ भी मर्जी कह लो, जहां पर भी आप ऊपर वाले से कनेक्ट होते हैं, वहां पर ये संकल्प आपने रख देना है इस टाइम पे, उसके बाद आपने दान करना है। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, इस दिन जैसे मैंने बोला कि लोग बोलते सोना दान, सोना खरीदना नहीं, दान करना है, बोलते थे सोना दान, पंखा, छाता, जौ, चावल, है ना, घी, ये चीज, ये जितनी चीजें हैं, है ना, फल हो गए। अब मैं बताती हूँ आपने, एक जो चीज इंपॉर्टेंट, जब आप ये कर लेते हो, है ना, संकल्प आप ले लेते हो, आपने क्या करना है, आप क्या बोलते हैं, 5 फल, शहद, पान, सुपारी, है ना, चावल और गेहूं, ये आपने किसी भी बुजुर्ग लेडी को दान करना है ना, जो काफी बुजुर्ग हो उनको आपने ये चीजें सारी, हाँ, और कपड़े, वस्त्र, ये आपने दान करना है ना, ये आपने भेंट में देनी है, ये दान करना है। और इतने सेल्फिश मोटिव से मत करना कि मैं दूंगा तो अब मेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे मत किया करो यार। ऊपर वाला जब देता है हमें, कितना कितना देता है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे को तो कुछ मिला नहीं, उसको कितना मिल गया, हम अपने नीचे वालों को नहीं देखते यार। जब कहते ना, अगर हमें एक वक्त की रोटी भी नसीब हो रही है ना, ऊपर वाले का शुक्र कहते ना मानना चाहिए, सच्ची में। हमने तो ऐसे ऐसे टाइम देखे, मेरी माँ कड़ी और कहते ना, वो थोड़ा सा बेसन और थोड़ी दही, वो
कर करके कड़ी देती थी छोटा छोटा के भाई, खुद भूखी रहती थी, हमें देती थी, बिजली पानी कटा हुआ था। मतलब ऐसा भी टाइम होता है लोगों की लाइफ में, है ना। तो अगर एक वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है तो यू शुड फील कहते हैं ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू भगवान जी, कुछ भी बोलो, है ना। तो ये चीज़ है, ये आपने करना है ना किसी भी, अच्छा पीले कपड़े के पोटली में बांध लेना, जितनी भी ये चीज़ें दोगे तो पीले कपड़े में ये आपने पोटली बना के दे देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस दिन श्राद्ध भी किया जाता है ना, आपको पता ही होगा कि इस दिन श्राद्ध किया जाता है, काफ़ी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं कर सकते, अपने पितरों को आपने याद करना है, ब्लेसिंग लेनी है, माफ़ी मांगनी है कि भाई कुछ गलती हो गई हो, भूल चुक माफ़। और इस दिन से जिनको भी पैसों की तंगी आ रही है, आपने क्या करना है, पहली बार तो श्री यंत्र की स्थापना कर देनी है, श्री यंत्र आप स्थापित कर दोगे, उसके साथ साथ आपने इस दिन से, है ना, साथ में से आप शुरू कर दोगे, अगर पैसों की वाकई तंगी आ रही है, श्री यंत्र की स्थापना करके आपने ओम श्रीम नमः का आपने जाप शुरू कर देना है, सीधी बात है, बहुत जबरदस्त है। दूसरी चीज पितरों का, जो मैंने बोला कितने लोग होते हैं जो, है ना, पितृ दोष अगर हम कुंडली में देखते हैं, वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे कहते हैं ना, अगर मेरे फादर नहीं है तो अपनी बेटी या बेटे का क्यों बुरा चाहेंगे, ऐसा नहीं होता, बट हाँ प्लैनेटरी पोजीशंस की मैं युति के हिसाब से आपको पितृ दोष की बात कर रही हूँ, ये चीज़ है। आपने क्या करना है, साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपने जल में काले तिल, है ना, पितरों को अर्पित कर देना है, और इस दिन से शुरू कर दो एकदम कंटिन्यूटी में। अगर वाकई में लग रहा है ना कि सारी चीज़ें अटक गई हैं, कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही है, पैसा अटक गया, नहीं हो पा रहा, वाकई में अगर दिक्कत है तो ये चीज़ शुरू कर दो, ये चीज़ है, ये करना है आपने। जितना दान करो, जितना पूरा दिन कहते हैं ना एक कर सको लोगों के लिए वो करो, ऊपर वाला कहते हैं ना बहुत ग्रेट है यार, अगर कहते हैं दो रोटी मिले एक अगर दे भी दोगे, वो बैठा है ना वो तो देख ही रहा है। ये जो दिन है ये कार्मिक दिन है, जितने कर्म करोगे आप, सच्ची में कह रही हूँ, उसका रिजल्ट मिलेगा मल्टीफोल्ड, लेकिन इस इंटेंशन से मत करना कि आज ये मेरे को मिल रहा है तो इसकी है ना वो रिटर्न क्या आएगी, ये नहीं यार, बहुत ऊपर वाले जो दे रहा है उस चीज़ को थैंकफुल करके अपना, है ना, बस करो, वो ही इज देयर, वो सारी चीज़ें निपटा डालेंगे, है ना। तो ये चीज़ करना है, वैसे मैं ट्राई करूँगी, मैं वैसे तो आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, लेकिन मैं ट्राई करूंगी हर राशि के हिसाब से भी मैं बताऊं कि किस राशि वालों को क्या चीज़ें दान करें तो वो और कहते ना सूटेबल रहेगी, तो आई ट्राई, ठीक है जी। बाकी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक आप मुझे लाइक करोगे यूनिवर्स आपको लाइक करेगा ही करेगा, है ना। मैंने क्या बोला था, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऊपर बॉल फेंको नीचे आती है कि नहीं आती, तो ऐसे ही सब हर बंदा आपको लाइक करेगा, है ना। डिसलाइक वालों क्या बिगाड़ा वे तुम्हारा, कोई बात नहीं, फिर भी इट्स ओके, ठीक है। अगर बटन प्रेस कर रहे हो इसका मतलब आप लाइक कर रहे हो, है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी शेयर करो, शेयर इसलिए करो क्योंकि सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए यार, मेरी भी आपकी भी सबकी, है ना, बस ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि वो जो मैंने आपको बताया हर राशि के हिसाब से हम लोग क्या दान कर सकते हैं जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छी चीज़ें हो जाए, तो ये मैं ट्राई करूँगी। बाकी ठीक है, देन ओके, बाय बाय, नमस्कार।